हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो आज का जो प्लान है ना, वो बहुत मस्त वाला प्लान है और जा रहे हैं हस्तशिल्प कला एग्जीबिशन में, जो कि लगा है आशियाना में। आशियाना किधर है? ये आशियाना कानपुर रोड के पास। अच्छा, कानपुर रोड के पास है ये। और ये जो भी चीज़ें मुझे नहीं पता है वो डॉक्टर साहब को पता रहती है, इसीलिए मैं इनकी हेल्प ले रही हूँ। हम लोग किसान पद से जाएंगे। हाँ। अच्छा, फिर रनिंग ग्रुप पकड़ेंगे। अच्छा, इसी बहाने कुछ वर्क थोड़ा 4 किलो हो जाएगा। इसी बहाने थोड़ा वॉकिंग हो जाएगा और डॉक्टर साहब का थोड़ा वेट लॉस हो जाए। 4 किलो 4 केजी 4 केजी, वाह भाई क्या झूठ बोलते हैं। मेरी बीवी जो है ना, मेरा पता नहीं कितना वजन कम करवा दी। सो मुझे मिल गई किरण दीदी और हम लोग पहुंच गए हैं शहीद पथ। तो शहीद पथ से पहले तेलीबाग जाएंगे, तेलीबाग से आशियाना जाएंगे। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए यहाँ टिकट घर पे, टिकट लेंगे और फिर अंदर इंटर करेंगे। चलिए एक एक करके एक एक चीज को देखते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। शुरुआत हम करते हैं छोटे छोटे समोसे से। और ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट। और इधर से ज्यादा अच्छा भैया कर ले रहे हैं। हाँ भैया, इनका बताइए, इनका बताइए, इनका भी ऐसा करो ना भाई, तुम वहीं जाके खड़े हो जाओ। 10-10 रुपया ले भैया, बताओ इनका 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 वेट बताओ। नमस्कार, आपका वजन मशीन से ज्यादा है। मशीन फेल हो गया। भारत महोत्सव, इधर देखना, इधर देखना, ले लो। भारत महोत्सव में आए हो ना। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत महोत्सव, जहाँ पे हर कोई जो भी आ रहा है यहाँ घूमने, फोटो शूट वहाँ पे ज़रूर करवा रहा है। सो हमने भी करवाया और बाकी लोगों को भी मौका दिया। वन बाय वन सब लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं वहाँ पे। इधर देखिए, इधर पे लगा है पूरा कालीन और अमेरिकन भुट्टा है, जो कि बहुत मीठा मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग उसको भी खाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें। और इधर लगा हुआ है फर्नीचर का पूरा, यहाँ पर बेड है, सोफा है, अलमीरा है और वो डाइनिंग टेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे जो है कप की ढेर सारी अलग अलग वेराइटीज़ है, अलग अलग कलर है, जिसमें स्माइली है। और इधर लगा हुआ है पूरा बाउल, इधर में लगे हुए हैं सारे प्लेट्स। चलिए पूछते हैं डोरमेट के प्राइस और ये कालीन के प्राइस से। भैया ये कालीन क्या इसके प्राइस है? स्टार्टिंग कितने से है कालीन की? स्टार्टिंग तो मेरा 1500 से लेकर 2 लाख रुपए तक है। ओके, ऊपर वाला ये 350 में है। और ये घटाइए तो इसको, ये अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? ये 2500 रुपए का है। ओके, ये 2500 का है। ओके ओके ओके, ये वाला 1500 का है। और ये जो डोरमेट्स है, डोरमेट्स वगैरह 120 का है। डोरमेट? यस, तो बहुत अच्छा है 120 में। और ये बड़े वाले? ये बड़े में 350 का है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने लोनावला में देखी थी। और इधर जो फेस्टिवल लगा हुआ है महोत्सव, वहाँ पर भी ये मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इधर तो कालीन मिल रहा है ना, हर जगह कालीन है। कालीन लवर है ना, वो आके देख सकते हैं, जिनको कालीन बहुत पसंद है ना, जो लोग चेंज करते रहते हैं। यूनिक लग रहा है, बहुत सॉफ्ट भी है सर। और मेंटेनेंस भी इसकी जीरो। अच्छी, हाँ जीरो रहेगी, सही बात है। क्लीन करने के लिए ना बहुत वो है। भैया कितने का है? 12,500। सारी यूनिक है यार। अभी आते समय मैं ले लूँगी आपसे, ठीक है? अभी अभी तो घूमने आए हैं, अभी घूम लेते हैं, फिर आके आपसे ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे घर पे ये किचन, सब लोग अपने अपने किचन का सामान ले रहा है, जिसके जिसके किचन में जो नहीं है। भैया अभी भी आपके किचन में कुछ चीज़ें नहीं है ना? हाँ। तो भैया अपने इंटरेस्ट का सामान ले रहे हैं। आपको आपको तो जिसमें दे दो वही अच्छा है। हाँ,
ये सब अच्छा लग रहा है। अब मुझे देख के मतलब कुछ नहीं लेना है तो टी शर्ट से मैचिंग ले लो। वाह भाई ये बढ़िया है। 13 कोटा अच्छा कितने पे मिल रही है बर्निया। तो मैं दिखाऊंगी आपको अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को जो गुड़िया का बाल खा रहा है। बच्चे कहाँ रह गया? बच्चे कहाँ छूटा? बच्चा आ जाओ। तो ये बच्चा गुड़िया का बाल खा रहा है। मैंने आपके लिए लिया। ये तो गलत बात है, आप इनको दोनों बच्चा बोल रहे थे, मेरे को बच्चा बना दी। डॉक्टर साहब अपने मन पसंद की चीज यानी कि लेजर देख रहे हैं, देखते कौन सा इनको पसंद आता है। ये बच्चा बड़ा बच्चा, आपको बच्ची बोल रहे थे ना, ये देखो बड़ा बच्चा भी है। सबसे बड़ी बस हमारी अनिका यहाँ बच्ची हुई है। ये सब हाथों से बनाया गया है इसीलिए ये है हस्तशिल्प, हाथों से बनाया हुआ सारा सामान है। पसंद आया क्या? अच्छा लग रहा है। जल लगी है, पापड़ गिर गया। दूर से मैं तो लगाई पता। आप कुछ खाते नहीं हैं? हाँ कल मैंने पूछा ना भैया मोमो खा लो, कहे नहीं खाएंगे, चाय बस पिया। तो इधर जो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये है चटाई जिसको आप सोफे पे भी यूज कर सकते हैं, मैट भी है और क्या क्या है भैया? कितना? उस एक और निकालो ना, उससे थोड़ा बड़ा बैठने के लिए, वो नहीं थोड़ा अच्छे में। ये 550। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ भैया से बेडशीट के रेंज क्या क्या है, तो इन्होंने बताया ये 650 रुपये, ये 700 रुपये और वो आगे जो रखा हुआ है वो 800 रुपये, और जो सामने देख रहे हैं ऑरेंज ग्रीन पिंक येलो ये 650 की रेंज में है। और इन्होंने बोला था कि अगर आप चाहे तो लेना हो तो मैं रेंज भी कम कर दूंगा, तो अराउंड 500 में मिल जाएगा। किंग और क्वीन साइज के लिए बहुत अच्छा, और ठंडी के लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कवर्ड देख रहे हैं, और यहाँ उटिन के स्टॉल बहुत सारे लगे थे और काफ़ी महंगे थे, क्योंकि लगभग चीज़ें जो हैं वो शीशम की लकड़ी के बने हुए थे। और यहाँ पे अनिका अपने बुक्स देख रही है, फिर हम लोग आगे बढ़े और देखते रहे कि हम लोगों को क्या बेहतर लेना है और जो थोड़ा यूनिक सा हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी लेने के लिए गाइस, और बहुत अच्छा रेंज भी था, और मुझे ये फ्रेम बहुत खूबसूरत लगा था, बट ये फ्रेम भी ओ माय गॉड 1700-1800 की रेंज में था। और यहाँ पर देखिए बहुत कुछ था कि अगर आप जाओगे तो आपको कुछ न कुछ 100% पसंद आएगा। तो यहाँ पे सोफ़ा और झूले कवर बहुत कुछ है। और अब मैं तो ये बुद्ध की मूर्ति मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी, और ये जो छोटे छोटे से बच्चे ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। सो इसमें बहुत सारी दुकानें अभी तो खुली भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी कुछ बहुत सही रेंज में मिल रहा था। यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी मुझे बहुत सही रेंज में, मैंने पूछा बहुत सही रेंज मिल रहा था। फिर यहाँ पे मैंने डोरमेट देखे, काफ़ी खूबसूरत सा आर्ट था, राजस्थानी एकदम। और फिर ये बेडशीट देख रहे, बेडशीट भी मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। उसके बाद मैंने एक बेडशीट, मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैंने बोला उनसे कि भाई कितने का है ये, तो उन्होंने इसका रेंज बताया अराउंड 2500, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं डिस्काउंट कर दूंगा तो ये कुछ 1800 में मिल जाएगा। बट मुझे कपड़े का जो थोड़ा क्वालिटी था वो मुझे काफ़ी मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कपड़ा है, एकदम जैसे हम लोग सूट्स वगैरह पहनते कुछ उस तरीके, मतलब बेडशीट जैसा फील ही नहीं आ रहा था। सो फिर मैंने इसको नहीं लिया, ये देखने में बहुत खूबसूरत था बट ये लग नहीं रहा था वैसा। फिर मैं गई और यहाँ पे मैंने कुर्तीज़ देखी उलन की, जो कि 400 की रेंज में थी। उसके बाद मैं आगे गई क्योंकि मेरे को कुर्तियाँ लेनी नहीं थी। और फिर यहाँ पे मैंने ज्वेलरी देखी, काश ज्वेलरी इतनी सस्ती थी कि 250 की रेंज में 240-300 की रेंज भी इतनी खूबसूरत सी चोकर मिल रहा था कि मतलब अल्टीमेट ज्वेलरी के मामले में गाइस आप ले सकते हो ज्वेलरी वहाँ जाकर। सो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और अब लग गई है भूख, तो हम लोग चलते हैं। यहाँ पे खाने का पीछे में दिया हुआ है तो खाने वाली जगह पे चलते हैं और कुछ खाते हैं, थोड़ा सा
एनर्जी मिल जाएगा, उसके बाद फिर और घूमते हैं क्योंकि उधर लगा है मेला, मेला भी तो घूमना है, तो उसके लिए पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ बीटेक चाय वाले के यहाँ, और बीटेक चाय वाला स्पेशल चाय बनाया हुआ है, सो पी रहे हैं। दीदी कैसा है? आप खुद बताओ। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बस इतना काफ़ी है। सो अभी हम लोग चाय पियेंगे और वहाँ पीछे आप लोग देख रहे होंगे मेला लगा हुआ है, तो वहाँ ले जाएंगे बेबी को और झूला झूलेगी, तो चलिए वहाँ मिलते हैं आपसे। बीटेक का चाय बहुत बहुत महंगा है, 200 बीटेक की फीस वसूल है। हाँ, उसकी बीटेक में बहुत ज्यादा फीस लगी है ना, वो सोच रहा है चाय के माध्यम से उसको निकाला जाए। 280 रुपए में चार चाय, एक चाय 70 रुपए की। पीजिएगा अगर आप लोग को बीटेक की स्पेशल चाय पीनी होगी तो। दीदी और अनिका गए इस झूले पर, इस झूले पर जिस पे मुझे और राज भैया को बहुत डर लगता है, डॉक्टर साहब जा नहीं रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट झूले पे जाएंगे, उसके जस्ट बगल वाला वो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है। पीछे झूला देख रहे हैं, अभी दीदी झूल के आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, लेकिन बहुत डरावना भी था, है ना? बहुत सुंदर था, बाहर से दूर से कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा, हम लोगों को दिख रहा, आपको सब दिख रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट इस झूले में, तो चले एंजॉय करते हैं और आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ। इस झूले का नाम ब्रेक डांस है, तो चलिए थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं, बड़ा मजा आएगा गाइस। तो हमें लोग एंजॉय करके मिलते हैं क्योंकि इसके साथ राज भैया कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, आने का मम्मा के साथ, भैया अकेले, मेरे साथ डॉक्टर साहब। बहुत घुमा रहा है भाई, बहुत ज्यादा घुमा रहा है, कुछ ज्यादा ही घूम रहे ना। हाँ, तुम्हारा ज्यादा ही, तुम्हारा इनका मोबाइल हैंग कर जा रहा है, इतना घूम रहे पीछे। हम लोग अब आ गए हैं ईगल ट्राइब में, जो कि ऊपर नीचे करेगा, तो चलिए बैठते हैं और इसका एक्सपीरियंस लेके आपके साथ शेयर करते हैं। तो दीदी, इसके पहले वाले का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अब ईगल का एक्सपीरियंस लेके बताते हैं हम लोग झूले का। तो मैं यहाँ दीदी दब गई हूँ, ये देखिए अगर ये चटपट हो गई ना थोड़ी देर में तो मुझे मत बोलिएगा। तो अभी हम लोग बोलिए झूले का एक्सपीरियंस करने के बाद फिर सोचा क्यों ना कोई और भी शॉप देख लिया जाए, तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉप वगैरह देखा। उसके बाद यहाँ पे राजस्थानी बैंगल्स मिल रहे थे, बहुत खूबसूरत से कलेक्शंस थे, और हम लोग लिए नहीं इस वजह से क्योंकि भीड़ थी उधर पे, और 100 रुपीज़ का मिल रहा था, बहुत सही रेंज था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कप की शॉप पर गए और एक कप पे हम लोगों दोनों लोगों की नज़र गई और हम दोनों को ही बहुत अच्छी लगी वो कप। फिर हम दोनों ने ये कप जो भैया पैक कर रहे हैं ये हम लोगों ने, सो उसके बाद मैंने शॉल लिया और एक स्टॉल लिया जो कि ब्लू कलर में, ये देखे भैया ने दिखाया, तो ये दोनों ही मैंने लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत साड़ियों को देखा और साड़ियाँ ठीक ठाक थी, 500 में 2 साड़ियाँ थी, और इधर में दीदी ले रही थी स्वेटर, अरे 500 में 2 साड़ी नाम मम्मी है ना, तो का तो है साड़ी बेटिया, तो का तो है, ओ सॉरी सॉरी लगी क्या, क्यों गए जो साड़ी में क्या देख रहा है, मैं कुछ और ले नहीं सकती। तो बेबी खुश है क्योंकि उसको बलून मिल गया है, है ना? और मैं तो खाली ही नहीं हूँ कि मैं कुछ खरीदूँ, वैसे ही मैंने इतना कुछ खरीद लिया है, घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बस शिल्प कला में क्या क्या खरीदा। और अब हम लोग बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर, शॉपिंग करके लाया है। सब्जी काट के रखने वाला कहाँ गया, तो बहुत जरूरी है ये। 40 वो मैंने खरीदा। हे गाइस, तो कल मैं रात में बहुत लेट में पहुंची थी, तो फिर मैं आपको सारे सामान नहीं दिखा पाई, ये देख रहे हैं पीछे से जो सामान है ये हस्तशिल्प कला से लिया मैंने,
और मैं इसको आपको एक एक करके दिखाऊंगी भी और प्राइस भी मेंशन करूंगी। सो अगर अभी तक आप लोग नहीं गए, हस्तशिल्प कला नहीं गए हैं, तो एक बार ज़रूर जाइएगा। इसकी भी 14 दिसंबर तक चलेगा, तो एक बार ज़रूर जाइएगा। सो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या सामान लिया है और कितने का मिला। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ये प्यारी सी शॉल। ये देखिए, ये कश्मीरी शॉल है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और बहुत लाइट वेट है ये शॉल और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये साड़ियों पे बहुत सुंदर लगेगा। ये दोनों ही साइड में है, दोनों साइड से इस शॉल को आप कैरी कर सकते हैं। एक ये इस साइड से, ये देखिए कलर गाइस कितना खूबसूरत है, और एक इस साइड से। तो ये शॉल जो है, मेरे को ये शॉल उसने बोला था 900 रुपये और इसको मैंने लिया है 600 रुपये में। सो ये शॉल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट वो शॉल ब्लू कलर में, ये देखिएगा, ये बस ये दूर से मुझे इतना अच्छा लगा, बॉर्डर की वजह से मैंने इस शॉल को परचेस किया। ये पूरा ब्लू कलर में है और इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है साइड साइड में। और ये देखिए पूरा इस तरीके से है और काफ़ी अच्छा है ये, और ठंडी के लिए ये काफ़ी गर्म भी करेगा। तो ये शॉल की जो रेंज है उसने बोली थी मुझे 1200 रुपये और इस शॉल को भी मैंने 600 रुपये में लिया, ये देखिए। सो जो नेक्स्ट जो है मैंने लिया था रनर, ये है रनर, और मैं इसको अभी आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ठंड इतनी ज़्यादा है तो अगर फर्श पे ये रनर लगा देंगे तो बेहतर होता है। तो ये कुछ 10 फीट का है और 10 फीट का रनर है, ये देखिए गाइस। ये कुछ ये कलर है पिंक, लाइट पिंक कलर और वाइट कलर में। इसकी चौड़ाई भी अच्छी खासी है। तो ये रनर का जो रेंज है उन्होंने बोला था अराउंड 550 का, और ये रनर मुझे मिला 400 का, और 400 में काफ़ी अच्छा मिल गया मेरे को। उसके बाद मैंने नहीं डॉक्टर साहब ने ये कंबल परचेज किया, और ये कंबल हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा सस्ता मिला। बिकॉज इसको मैंने, हम लोगों ने 2-3 शॉप पे भी पूछा था कि ये कितने का है, तो कोई भी 3000 के से नीचे बोल ही नहीं रहा था। इवन ये 3000 तब बोल रहा था जब हम लोगों ने प्राइस को डिस्काउंट करके वो 3000 रुपये बोल रहा था। और ये हम लोगों ने, गाइस आप लोग मेरे को बताइए ये मैंने कितने में लिया होगा। सो उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों को उसका आंसर करूंगी कि ये कितने का मैंने लिया है और आपका जो प्राइस है वो मिलता जुलता है या नहीं। ये काफ़ी अच्छा कंबल है, दोनों ही साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये कंबल का रेंज आप लोग ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मैंने कल से हस्तशिल्प कला से ख़रीदा। सो आप तो ये सारी चीज़ें कैसी लगी, मैंने कुछ महंगा तो नहीं खरीदा, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। बाय बाय गाइस।